अलीगढ़ से हूँ। इसलिए मैं मानव संदेश का संपादक जसवंत सिंह निषाद, मैं लिखापढ़ी का काम ज्यादा करता हूँ, बोलने का काम कम करता हूँ। समाज को जागृत करने के लिए मीडिया की जरूरत है, और जिस मीडिया को मैं आज चला रहा हूँ, उस मीडिया के जनक यानी हमको जो सहयोग करने वाले सबसे पहले जिनके माध्यम से हमने शुरू किया था, अखबार आज पत्रकार भी है, अखबार भी है, डिजिटल चैनल भी है, वो आपके ही बीच के आज जो हमारी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़े भाई सुभाष कश्यप जी, उनके पिताजी चौधरी हरपुर सिंह कश्यप जी। मैं उनके प्रेरणा से उस वक्त जब एकलव्य सेना बनी थी, हम यहाँ नीलम ढाबा पे आते जाते थे, रहते थे उनके पास, और उन्हीं के कर कमलों से एकलव्य मानव संदेश 28 जुलाई 1996 को अलीगढ़ से शुरू किया गया था। एक बड़ा गर्व का विषय इस इलाके के लिए कि उनका लगाया हुआ पौधा आज हम लोग इसको रन कर रहे हैं, और पूरे देश और विदेश में जो भी हमारे साथ माध्यम है उनसे हम पहुंचा रहे हैं। मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से कि अगर आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो हमारा ऐप भी बना हुआ है, एकलव्य मानव संदेश करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दो यूट्यूब चैनल है, दो वेबसाइट है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, और अपना प्रिंट में भी है। लेकिन एक संदेश, क्योंकि मुझे बोलने के लिए कहा गया, मैं बोलने में ज्यादा विश्वास ज्यादा नहीं रखता, लिखने में रखता हूं। आज राजनीति के बिना समाज का भला नहीं हो सकता। आज हमारे आपके बीच में राजनीति में उत्तर प्रदेश में छोटी सी एक ऐसी स्थिति में जब सोच भी नहीं सकता कि आदमी विधायक बन सकता है या सांसद बन सकता है, हमारे आपके बीच में उत्तर प्रदेश से बहुत कम उम्र में विधायक बनकर के 4 बार विधानसभा में पहुंचे, 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, 1 बार लोकसभा के सदस्य रहे, और 2 बार लगातार राज्यसभा में आज भी सांसद हैं, माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, हम उनका स्वागत करते हैं। विशंबर प्रसाद निषाद जी के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है कि जब वो विधायक बने तब से लेकर के आज तक आपके आरक्षण की लड़ाई चाहे उत्तर प्रदेश की रही हो, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे बिहार की, पूरे देश की आरक्षण की लड़ाई को हमेशा सदन में उठाते रहे। उस वक्त भी उठाया जब प्राइवेट बिल ला करके इसी सरकार में, जब उनकी पार्टी के भी तरफ से समर्थन नहीं था, प्राइवेट बिल ला करके अगर उन्होंने कदम उठाया, तो ऐसे सांसद हमारे आपके बीच में है, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। हमारे आपके लिए कोई आज हमारे लोग गांव में ज्यादा है, 90% लोग राम को अपना देवता मानते हैं और विश्वास करते हैं कि शायद भगवान राम हमारे, हमने उनको पार लगाया, आज शायद वो आकर के हमें कभी पार लगाएंगे, लेकिन कभी पार नहीं लगाएंगे। उनके वंशज आज भी काम हमारे उत्तर प्रदेश में शासन में है, और उन्हीं के वंशज आज निषादों की नाव को भी उत्तर प्रदेश में तोड़ रहे हैं। ऐसी घटनाएं समाज में होती है, तो मैं चाहता हूँ, अभी MLC साहब हमारे सुरेश जी बोल रहे थे दिल्ली में आकर के, वो भी उत्तर प्रदेश से है, ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे नेता हैं। अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय कश्यप समाज सेवा समिति के भी सरदार जी हैं, वो भी यहाँ हमारे आपके बीच में आए, ऐसे बहुत सारे लोग आपकी आज की जो सभा है उसको देख रहे हैं, आज हम लोग भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आप संदेश को एकता में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर धोखा समाज के साथ नेता करता है, तो मेरा तो सीधा सा संदेश है कि जो किसानों ने अभी भाजपा के विधायक के साथ किया है, अगर आपने उसको आपकी वजह से किसी भी पार्टी में वो विधायक सांसद बनाए, और अगर वो आपकी आवाज को उठा नहीं पा रहा है सत्ता के साथ, तो आप भी उसके साथ उस तरह का व्यवहार करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कश्यप जी।